हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम यहां पर यूटेट एग्जाम 2019 के लिए आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी विषय। इसके मैं पहले 3 लेक्चर ले चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था, उसके बाद सेकंड में मैंने आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाया था, और उसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर था वहां पे मैंने आपको सर्वनाम के बारे में पढ़ाया था। आज हम इसी हिंदी व्याकरण की कड़ी में आगे चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है विशेषण। विशेषण पढ़ने के लिए आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में समझना जरूरी है। वो अगर आपको जानना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों विशेषण की। विशेषण क्या होता है? विशेषण है ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। अब यहां पे विशेषण में भी हम दो चीजें पढ़ सकते हैं। पहला एक होता है विशेषण, दूसरा है आपका विशेष्य। देखिए, एक विशेषण है, दूसरा है विशेष्य। जिस शब्द के द्वारा आपकी विशेषता बताई जाती है, गुण बताए जाते हैं, धर्म बताए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण। जिसकी बताई जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण। जैसे यहां पे मैं बात करता हूं, आपके पास एक नॉर्मल हम वर्ड ले लेते हैं, काला घोड़ा। यहां पे घोड़ा क्या है? विशेष, जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि यह क्या है? काला है। काला क्या है? उसके हमने रंग के बारे में बताया, तो वो क्या है? विशेषण। और ये क्या है? विशेष। जैसे हम एक बात बात करते हैं, और इसी में हम बात कर सकते हैं, मोटा आदमी। तो यहां पे मोटा उसका क्या है? गुण है, तो उसको हम बोलेंगे विशेषण। और जिसके बारे में बताया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? आदमी, उसको हम बोलेंगे विशेष। इसी प्रकार अब हम विशेषण के भेद पढ़ते हैं। विशेषण के कितने रूप होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको आपकी स्क्रीन पर यहां पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, जैसे विशेषण के आपके मुख्यतः 4 रूप होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाण बोधक और चौथा सार्वनामिक। हम अब एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला है, अब देखिए आप, आपको स्क्रीन पर यहां पे सबसे पहले दिख रहा होगा गुणवाचक। गुणवाचक मीन्स जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक। जैसे अब इसके भी आपके कुछ उपभेद हैं, जैसे काल बोधक, रंग बोधक, आकार बोधक, गुण बोधक और दशा बोधक। गुण बताने वाले, धर्म बताने वाले, स्वभाव बताने वाले। इसमें देखिए काल बोधक, काल बोधक मीन्स समय के बारे में, उसका कि नया है, पुराना है, प्राचीन है कि ताजा है, ये किसमें आएंगे? आपके काल बोधक में। रंग बोधक में क्या आएंगे? बिल्कुल सही समझिए, रंग बोधक में क्या आएंगे? यहां पे रंग आएंगे, जैसे काला, पीला, हरा, नीला, लाल। अब देखिए, जो हमने यहां पे इससे पहले एग्जांपल लिया था, कौन सा हमने लिया था? काला घोड़ा। वो किसका रूप था? वो रंग बोधक गुणवाचक विशेषण का आपका टाइप था। इसके बाद हम चलेंगे आपका कौन सा? आकार बोधक। बिल्कुल आकार के बारे में बताएंगे, जैसे लंबा, चौड़ा, नुकीला, तिकोना, चौकोर, ये उसके आकार के बारे में बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं उसके गुण के बारे में। गुण के बारे में कैसे बात करेंगे? अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, या भला आदमी है, कपटी आदमी है, झूठा आदमी है, तो ये सब क्या बता रहे हैं आप? उसके गुण बता रहे हैं। तो ये आपका क्या है? गुण बोधक विशेषण है। उसके बाद हम बात करते हैं दशा बोधक की। दशा बोधक में क्या आएगा? उसकी दशा के बारे में, गीला है, सूखा है, युवा है, वृद्ध है, वो दोस्तों आपके किसमें आ जाएंगे? गुणवाचक में आएंगे। अब हम चलते हैं अपने जो दूसरा इसका रूप है, बिल्कुल संख्यावाचक। संख्यावाचक से आप बिल्कुल सही समझ गए होंगे, उसके फिर से दो भेद होते हैं, कौन से? निश्चित और अनिश्चित। संख्यावाचक बाधक मीन्स जहां पे आप संख्या के बारे में बता रहे हो, जैसे हम दो लोग हैं, दो, दो क्या है? संख्या, वो निश्चित है। अच्छा, यहां पे हम पहले बात कर लेते हैं निश्चित और अनिश्चित। जहां पर पर्टिकुलर कुछ फिक्स वैल्यू हो उसको हम बोलते हैं निश्चित, जहां पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ना हो उसको हम बोलेंगे अनिश्चित। जैसे हम कहेंगे एक पार्टी में 100 लोग आए थे, तो 100, व्हाट इज 100? निश्चित। एक पार्टी में कुछ लोग आए थे, तो यहां पे 100 और कुछ, दोनों में आप अंतर समझ रहे होंगे, एक फिक्स वैल्यू है, एक आपकी अनिश्चित वैल्यू, तो ये निश्चित और ये अनिश्चित। अब बात करते हैं हम परिमाण बोधक की। परिमाण मींस क्वांटिटी, किसी की क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? परिमाण बोधक विशेषण। उसमें भी आपके दो टाइप है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जैसे क्या आएगा, हम बात करते हैं निश्चित में, जैसे 10 किलो घी या 5 किलो दूध, ये फिक्स वैल्यू है, उसका परिमाण बता रहा है। लेकिन जैसे हम यहां पे कह देते हैं
थोड़ा सा दूध, बहुत ज्यादा दूध, ये क्या आ जाएगा आपका अनिश्चित। आपको फिक्स वैल्यू नहीं पता है कि आपका किस हिसाब से, लीटर के हिसाब से है या किस हिसाब से, तो आपका सब किस में आ जाएगा वो निश्चित और अनिश्चित। उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं किसकी, सार्वनामिक विशेषण की। सार्वनामिक विशेषण मीन्स जहां पर आप किसी सर्वनाम की विशेषता पर्टिकुलर बताएं। जैसे हम बात कर लेते हैं यह पुस्तक मेरी है, आपने क्या बताया उस पुस्तक के बारे में बताया, वह पुस्तक किसकी है, मेरी है, और वह भी यह बताया यह पुस्तक मेरी है, तो आपका क्या बनेगा, वह बनेगा सार्वनामिक विशेषण। ऐसी एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, वह घर मेरा है, तो हमने क्या बताई उसकी विशेषता बताई, तो वह घर मेरा है किसमें आएगा आपका, सार्वनामिक विशेषण में आएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम बात कर सकते हैं अपने किसकी, विशेषण की, जो तुलना अवस्था है। ठीक है, हम बात करते हैं विशेषण की तुलना अवस्था। ठीक है, हम एक ही विशेषण को तीन तरीके से लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहला होता है आपका कौन सा, मूल अवस्था, फिर होता है आपका उत्तर अवस्था, और फिर होता है आपका लास्ट में उत्तम अवस्था। ठीक है, इसमें हम देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। आपने विशेषता तो बताई कि सुंदर है, लेकिन उसके भी आपके तीन क्या हैं, तुलनाएं हैं। पहला मूल है जो सुंदर है, थोड़ा सा उससे बढ़िया वो क्या है, सुंदरतर, उससे भी बढ़िया जो सबसे उत्तम है, जो सबसे उत्तम है वो क्या है आपका, सुंदरतम। तो ये आपका क्या है, विशेषण की तुलना अवस्था। अब हम बात कर लेते हैं जो हम ये विशेषण बनाएंगे, ये हम प्रत्यय लगाकर भी बना सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन अभी ऐसे सॉल्व करेंगे जहां पे हम विशेषणों को क्या करेंगे आपका, प्रत्यय लगा के बनाएंगे। जैसे आपका दान, मैं आपको बताता हूं, दान में आप अगर ई जोड़ दें तो क्या बन जाएगा वो, दानी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करके चलते हैं, जैसे बुद्धि है, बुद्धि है, उसमें आप मान जोड़ दो, आपने क्या बना दिया, एक विशेषण बना दिया, बुद्धिमान। ऐसे हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, जैसे भारत, भारत क्या है, एक संज्ञा है, उसमें ई जोड़ दो तो हम सब क्या बन गए, भारतीय। ये हम सभी की एक विशेषता हो गई, भारत हमारे देश का नाम, ई आपने प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, भारतीय। ये हमारी क्या है, कुछ विशेषण हमने बना दिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की जो थ्योरी है यह तो यहां पे समाप्त हो गई। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न है यहां पे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, चार ऑप्शन, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय। तो आपको क्या बोलना है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अब एक क्वेश्चन है, भला किस प्रकार का विशेषण है, याद रखिए क्वेश्चन है भला, ठीक है, ये आपका एक विशेषण है। आपको मैं चार ऑप्शन लिख के देता हूं, आप इसको सॉल्व करिए, फिर आपको पांच सेकंड के बाद मैं बताता हूं। पहला है सार्वनामिक, दूसरा है परिमाण बोधक, ठीक है, परिमाण बोधक, फिर आपका आता है गुणवाचक और संख्यावाचक, गुणवाचक और संख्यावाचक। देखिए अब इसको एक बार आप पांच सेकंड के लिए सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको उसके बाद बताता हूं। तो दोस्तों जैसा आपका ये भला है, ये क्या बता रहा है, गुण के बारे में बता रहा है, तो ये कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी, जो है गुणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक क्या होता है, जो सर्वनाम के स्थान पर यूज होता है। परिमाण बोधक, जो उसके परिमाण के बारे में बताता है। गुणवाचक मतलब जो उसके गुण के बारे में बताइए, किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बता रहा है कि वह एक भला आदमी है। यहां पर केवल भला लिखा हुआ है तो आप उसको गुणवाचक समझेंगे। अब हम चलते हैं अपना अगला, यहां पर है कुछ आदमी वहां पर खड़े थे, कुछ आदमी वहां पर खड़े थे, तो जो ये कुछ है यह किस प्रकार का विशेषण है, मैं आपको आपके ऑप्शंस बता देता हूं। इसके ऑप्शंस हैं आपके निश्चित बोधक, अनिश्चित बोधक, उसके बाद आपका ऑप्शन है निश्चित बोधक, अनिश्चित बोधक, गुणवाचक और परिमाण वाचक। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहां पे आपका बना कुछ आदमी वहां पर खड़े थे। कुछ में क्या है, क्या आपको पर्टिकुलर क्वांटिटी पता लगी कि कितने आदमी खड़े थे, बिल्कुल नहीं, तो आपका निश्चित बोधक तो नहीं होने का रहा।
फिर हम चलते हैं सीधा तीसरे ऑप्शन में से आंसर इसका कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है हमारा, वहीं पे पता लग जाएगा आपको, तीसरा चौथा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गुणवाचक, क्या आपने आदमियों के गुणों के बारे में बताया? बिल्कुल नहीं। क्या आपने आदमियों की क्वांटिटी के बारे में? नहीं। तो हमारा क्या है, अनिश्चित बोधक, आपको पता ही नहीं है कितने आदमी, आप एक अनुमान लगा रहे हैं वहां पे कुछ आदमी हैं। इसके बाद ये तो हमारा दूसरा प्रश्न, अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, देखिए यहां पे देख लेते हैं, हाँ तीसरा प्रश्न इसी में थोड़ा सा आगे ऐड कर लेते हैं। 10 आदमी आएंगे, बिल्कुल 10 आदमी जहां पे आपने बता दिया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, निश्चित वाचक संख्या वाचक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विशेषण के कितने भेद किए गए हैं, विशेषण के कितने भेद किए गए हैं, गुणवाचक संख्यावाचक परिमाण बोधक और सार्वनामिक, 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद बात करते हैं हम तिकोना, ठीक है, तिकोना किस प्रकार का विशेषण है, क्या तिकोना आधार, तिकोना आपका किसमें आएगा, परिमाण बोधक, ठीक है, आकार बोधक, उसके बाद सार्वनामिक, और इसके बाद हमारा है कौन सा ऑप्शन, रंग बोधक। तो ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या बताया जा रहा है, उसके आकार के बारे में बताया जा रहा है किसी वस्तु के, कि कोई वस्तु क्या है, तिकोनी है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा इसका, आकार बोधक। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। यदि आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसे लगती है, आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। पहले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन है यहां पे है, चमक से विशेषण बनेगा, चमक एक वर्ड है, इससे कौन सा विशेषण बनेगा, ठीक है, चमकना, चमकीला, चमकता और चमकी, ये 4 ऑप्शन है। आप दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए, चमक है, चमक से आप कौन सा विशेषण बना सकते हैं, चमकना, चमकीला, चमकता और चमकी। तो दोस्तों आज का जो हमारा यह विशेषण का चैप्टर है, विशेषण का लेक्चर है, यह यहीं पे समाप्त होता है। आपको दोस्तों आज की यह वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। यदि आप गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल के कंटेंट में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, या जो हमारी यूटेट की सीरीज चल रही हो इसके बारे में कुछ हमें बताना चाहते हो, तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी आशा में कि आप यूटेट की तैयारी बहुत मनोयोग से कर रहे होंगे, आपकी सफलता तक आपके साथ गुरुजी उत्तराखंडी और टीम। तो इसी आशा में नमस्कार।